सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूँ आवेश आलम अंसारी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग टीवीएस के शोरूम में हैं एंड जैसा कि आपको पता है टीवीएस राइडर अभी नया लॉन्च हुआ है 125cc में, तो आज हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं और मैं आज आपको इसका फीचर्स बताऊँगा, इसका फुल स्पेसिफिकेशन, इसका साउंड कैसा है और इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, इसकी माइलेज क्या है, एक शोरूम प्राइस। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइक का मैंने आपको सिनेमेटिक शॉट दिखा दिया है, तो अब चलिए हम बाइक के फीचर्स की बात करते हैं। गाइस, अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 125cc की इंजन देखने को मिल जाती है विद एयर ऑयल कूल्ड। एंड अगर हम इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें तो 11.38 PS एट द रेट 7500 RPM है। एंड अगर हम इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 11.2 Nm एट द रेट 6000 RPM है। एंड गाइज, इस बाइक में आपको किक देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ सेल्फ पे डिपेंड है। एंड अगर हम इसके गियर की बात करें तो इसमें आपको 5-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। गाइज, अगर हम बाइक के टायर की बात करें तो इसका जो फ्रंट टायर है वो आपको 80x100x17 देखने को मिल जाता है, इसमें आपको सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम इसके रियर टायर की बात करें तो इसके जो रियर टायर है ये आपको 100x90x17 देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों आपको ट्यूबलेस देखने को मिलेगी। एंड गाइस, ये बैक साइड में आपको कोई डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा, ये ड्रम ब्रेक है। एंड गाइस, आपको इसका दोनों व्हील एलॉय देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हो। एंड इसका जो फ्रंट ब्रेक का डायमीटर है वो आपको 240mm है एंड जो रियर ब्रेक का डायमीटर है वो आपको 130mm देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर हम बाइक की ऑल ओवर लेंथ की बात करें तो ये 2070mm है। एंड अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो 785mm है। एंड अगर हम इसके हाइट की बात करें तो 1028mm है। एंड गाइस, अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180mm देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये आपको 10 लीटर का देखने को मिल जाएगा, जो कि 125cc के सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। एंड गाइस, ये जो बाइक का कर्व वेट है वो आपको 123 kg देखने को मिल जाता है एंड जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो 130 kg है। एंड गाइस, ये जो आप बाइक देख रहे हो ये आपको रेड कलर है एंड इस बाइक के 4 कलर और अवेलेबल हैं। एक तो आपको विकेट ब्लैक में आता है एंड एक आपको ब्लेजिंग ब्लू में मिल जाएगा एंड एक आपको स्ट्राइकिंग रेड में मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। एंड गाइस, एक जो है वो आपको फियरी येलो कलर में मिलता है। तो गाइस, बाइक का फीचर्स तो मैंने आपको बता दिया है, तो अब चलिए हम बाइक के लुक की बात करते हैं। तो गाइस, ये बाइक 125cc में काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी स्पोर्टी भी दिख रही है जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड इसका टैंक आपको रेड में देखने को मिल जाता है एंड दोनों साइड ब्लैक में है। एंड यहाँ पे आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है 3D में जैसा कि आप देख रहे हो। एंड यहाँ पे FI सिस्टम का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, अगर हम इसके साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको राइडर की 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि लुक वाइज साइड का काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसकी वजह से। गाइस, अगर हम इसके इंजन की बात करें तो यहाँ तो साइड में आपको यहाँ TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड ये इंजन आपको फुल ब्लैक मिलता है मैट में। एंड इसका जो ये बेली गार्ड है ये आपको रेड में देखने को मिलेगा, जो लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। एंड इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिलेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड गाइस, अगर हम बाइक के टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक
बीच में फाइबर मिलता है जो कि आपको थोड़ा मैट लुक देता है, जो लुक वाइज काफी अच्छी दिख रही है। एंड यहाँ पे आपको स्मॉल कार्बन स्टिकर देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे भी थोड़ा आपको कार्बन फिनिश देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको TVS इंटेलिगो की सिस्टम देखने को मिल जाती है जो इसके इंजन में दिया गया है, एंड यही सेम सिस्टम आपको जुपिटर में भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अगर हम इसके इस साइड इंजन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस अगर हम इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो ये आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा, एंड ये लुक वाइज भी काफ़ी स्पोर्टी दिख रही है। तो आपको ये एक मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है विद सिल्वर, एंड ये जो इसका हीटिंग प्लेट है ऊपर का ये भी आपको सिल्वर में देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसका जो सीट है ये आपको डुअल देखने को मिलेगी जो हाफ कट में आती है, एंड इसका सीट भी काफ़ी स्पंजी है एंड सॉफ्ट भी है, एंड पिलियन के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये बैक में आपको हैंडरेल देखने को मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ, एंड ये पूरा फुल बैक भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलेगा जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छी दिख रही है रेड एंड सिल्वर में। इसका बैक लाइट है जो लुक वाइज काफ़ी अच्छी दिख रही है, एंड ये आपको एक तरह से कह सकते हो एल शेप में दिया हुआ है जो लुक वाइज काफ़ी सही दिख रहा है। एंड इसका जो इंडिकेटर है ये आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का सिस्टम देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा जो कि अब सारी बाइक में आ रही है बैक में एंड फ्रंट में भी, बट यहाँ फ्रंट में आपको कोई रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलता है। गाइज यहाँ पे आपको TVS की स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी, एंड गाइज इसके टेल लाइट के ठीक नीचे यहाँ पे आपको लॉक सिस्टम मिलता है, एंड ये लॉक सिस्टम जो है ये आपको बैक सीट निकालने का है, तो आप यहाँ से की को लगा के आप बैक सीट को यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इसका इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ। तो गाइज इसका इंडिकेटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। गाइज इस बाइक में आपको साइड में सारी गार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हो, तो ये लुक वाइज तो काफ़ी बड़ा है बट सही लग रही है, आप चाहो तो इसे निकाल के भी चला सकते हो। गाइज इसका जो फुट रेस्ट है ये आपको फ्रंट में ब्लैक देखने को मिलेगा रबड़ के साथ, एंड आपको जो बैक में मिलता है फुट रेस्ट पिलियन के लिए ये आपको सिल्वर में मिलेगा, बट इस पर कोई भी कवर नहीं है, बट ये इतना सही है कि ये स्लिप भी नहीं करेगा। सो गाइज अगर हम बाइक के फ्रंट लुक की बात करें तो इसका फ्रंट कुछ इस तरह से दिखता है, एंड ये काफ़ी स्पोर्टी है 125cc में। एंड गाइज आपको यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एंड ये आपको छोटा सा वाइजर देखने को मिल जाएगा इस पर, एंड इस वाइजर पे आपको यहाँ पे राइडर की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है जो कि स्पेशली जो स्टार्टिंग लेटर है R उससे शुरू होती है, तो ये स्पेशली उसी के लिए स्टिकर बनाया गया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का सिस्टम देखने को मिल जाता है, एंड फ्रंट में भी आपको यहाँ फेस पे ही दोनों इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है। गाइस फेस का जो दोनों साइड है वो आपको रेड देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख रहे हो, एंड यहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा जो कि TVS की सारे बाइक्स पे आते हैं जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छी दिखती है साइड से। अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो ये आपको फुली LED देखने को मिलेगी, एंड ये आपको दोनों साइड में DRL देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको इसका लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये इसका DRL ऑन हो गया है, एंड ये लुक वाइज काफ़ी अच्छी दिख रही है आप देख सकते हो। गाइस इसमें जो आपको फ्रंट शॉकर है यह आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाएगा, एंड गाइस इसका जो फ्रंट मड गार्ड है यह आपको हाफ रेड एंड हाफ मैट ब्लैक में देखने को मिल जाता है जो कि लुक वाइज भी काफ़ी सही दिख रही है। गाइस चलिए हम इसके हैंडल एंड डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसके हैंडल पे आपको यहाँ TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये लुक में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। एंड गाइस अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो इसका जो क्लच है यह आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हेडलाइट चलाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे पासिंग लाइट का ऑप्शन है, एंड ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, एंड ये हॉर्न का ऑप्शन है। एंड अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको दो मोड मिल जाते हैं इस बाइक में, एक इको मोड है एंड एक पावर मोड है। तो अगर आप इको मोड में ये है कि आप अगर नॉर्मल चल रहे हो तो इको मोड में ऐसे चल सकते हो, एंड अगर पावर मोड में आप बाइक चला रहे हो और कहीं ट्रैफिक लग गई, अगर बाइक आपकी रुक गई है तो बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, एंड आपको सिर्फ एक्सेलरेटर लेना है। आप जैसे एक्सेलरेटर लोगे तो बाइक ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट हो जाएगी, ना आपको क्लच लेना है, ओनली एक्सेलरेटर एंड बाइक आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये यहाँ पे आपको सेल्फ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इस बाइक में किक नहीं है, तो आपको यहाँ पे किक का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइज ये है इस बाइक की जो कि लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, एंड यहाँ पे आपको TVS एंड यहाँ पे आपको इसका लोगो देखने को मिल जाएगा।
तो चलिए हम इसका आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। तो इसका जो डिस्प्ले है ये आपको 5 इंच का इसमें TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको गियर का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गाड़ी चलती है उसका इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बाइक कितनी किलोमीटर चली है इसका इंडिकेटर है। यहाँ ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप कर सकते हो एंड ये RPM का मीटर है जैसा कि आप दिख रहा है गाइज। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अभी गाइज ये बाइक अभी पावर मोड में है, तो अभी मैं इको में करूँगा तो ये इको में हो जाएगी। तो आप देख रहे हो जैसा यहाँ पे इको मोड चेंज हो चुका है एंड यहाँ पे इंजन पावर किल स्विच का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है एंड गाइज यहाँ पे आपको TVS का लोगो देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको चार्जिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड नहीं आता है। तो जब आप बाइक परचेज करोगे तो ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जाएगा। सो गाइज बाइक का मैंने आपको फीचर्स एंड लुक दोनों दिखा दिया है। तो चलिए अब हम बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। एंड गाइज इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है एंड स्मूथ है क्योंकि पहले जो बाइक में आती थी तो आप सेल्फ लेते थे तो उसमें जो सेल्फ का आवाज़ आता था, तो इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली सेल्फ लोगे तो ये एक बार में स्टार्ट हो जाएगी एंड बिल्कुल स्मूथली, कोई आवाज़ भी नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ एंड इसका साउंड सुनाता हूँ। तो गाइज बाइक का मैंने आपको साउंड भी सुना दिया है। तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा है एंड स्मूथ भी है एंड लाउड भी है थोड़ा एंड इसका थ्रॉटल लेने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा। तो गाइज़ बाइक तो आपको मैंने दिखा दिया है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइज इस बाइक का जो माइलेज है वो 67 किलोमीटर पर लीटर है जो कंपनी क्लेम करती है। एंड आप बाइक किस कंडीशन में रखते हो, कैसे चलाते हो, तो माइलेज उस पर भी डिपेंड करता है। एंड गाइज अगर हम इसके एक शोरूम प्राइस की बात करें तो छपरा में आपको श्री गंगा TVS जो है यहाँ पे आपको जो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है वो 87,021 है एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस है यहाँ पर वो 104,871 है विद फुल किट। तो इसमें आपको दो मिरर भी मिल जाएंगे और इसमें ले गार्ड वगैरह भी आते हैं, तो आपको सब कुछ लगाकर तब मिलेंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर बाइक की कोई भी आपको क्वारीज लेनी होगी या इसके फुल डिटेल वगैरह के बारे में आपको जानना होगा तो आप डायरेक्टली श्री गंगा TVS में कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं आपको यहाँ का नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा एंड यहाँ का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से कॉल कर सकते हो एंड कोई भी आपको डिटेल लेना हो तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो एंड इस बाइक की बुकिंग भी करा सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस बाइक में देखना चाहते हो तो आप मुझे बता देना। सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।